प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में करीब 4 घंटे रहेंगे। कुंडम थाना क्षेत्र में ग्राम मड़ई खेड़ा के पास रविवार की सुबह सड़क पर एक युवक की रक्तरंजित लाश बरामद की गई। अमरपाटन थाना अंतर्गत नांदन टोला बाईपास में तेज रफ्तार टवेरा गाड़ी पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में चालक की जान चली गई, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत सरकार ने घोषणा की है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और थिएटर के दिग्गज बलवंत मोरेश्वर उर्फ बाबा साहेब पुरंदरे का सोमवार एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार को मामूली सुधार हुआ और उनका समग्र AQI 318 रहा और अगले कुछ दिनों तक इसके ऐसे ही रहने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क न लगाने पर अपने भतीजे तथा रंकम्पा विधायक रोहित पवार को फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार पुणे में प्रख्यात साहित्यकार और इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर उर्फ बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर शोक व्यक्त किया। केरल के जिला कलेक्टरों ने भारी बारिश के कारण सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। बिहार पुलिस ने उनके इलाके के एक विश्राम गृह में छापा मारा तो लड़का और लड़की आपत्तिजनक स्थिति में मिले, उनके साथ एक महिला भी थी। पुलिस को शक है कि विश्राम गृह में वेश्यावृत्ति का काम होता है, इस वजह से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया और रेस्ट हाउस को सील कर दिया।